सब्सक्राइब कीजिए आदर्श किसान सेंटर चैनल को और पास आए बेल आइकन दबाएं, कृषि संबंधित वीडियो सबसे पहले पाएं। नमस्ते किसान वीरों, आज हम कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे हर किसान के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसान दोस्तों, कभी कभी हमको ये देखने को मिलता है कि जब भी हम खेत पर यूरिया या DAP डालते हैं तो कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कारण हो सकता है कि दुकानदार ने आपको DAP नकली दे दिया हो, यूरिया नकली दे दिया हो, जिस कारण से वह कोई फसल पर असर नहीं करना हो। तो किसान दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आप घर पर ही कैसे चेक कर सकते हैं कि यूरिया नकली है या असली है। तो किसान दोस्तों, मैं हूं नारायण, आप देख रहे हैं आदर्श किसान सेंटर। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। DAP के लिए आप DAP के कुछ दाने लीजिए, उस दानों को चूना के साथ में मिलाइए। चूने के साथ में अगर मिलाएंगे तो वह क्रिया करके मिल जाते हैं और बहुत तेज गंध आने लगती है और वह गंध आपके सूंघने लायक नहीं होती है, तो वह DAP असली है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, आप तवा लीजिए और गैस पर उसको गर्म कीजिए, फिर कुछ दाने डाल दीजिए DAP के, और DAP जैसे ही गर्म होगा तवा, अगर DAP के दाने फूल जाते हैं तो वह गर्म होकर फूल जाते हैं तो वह असली है, और नहीं फूलते हैं तो वह नकली है। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया में दोस्तों, आप एक गिलास या जग लीजिए, उस जग में कुछ पानी ले लीजिए, उस पानी में कुछ दाने यूरिया के लीजिए और उस पानी में मिला दीजिए। अगर पानी में पूरी तरह मिल जाते हैं और पानी में हाथ डालिए आप, अगर पानी ठंडा महसूस होता है पानी, तो वह असली है बिल्कुल। वह घुलने के बाद में पानी ठंडा महसूस होता है। और यूरिया के लिए दूसरा तरीका है, आप एक तवा लीजिए, तवे को गैस पर रखिए और गैस चलाइए, फिर उस यूरिया के कुछ दाने उस तवे पर डाल दीजिए। गर्म, जैसे ही तवा गर्म होगा तो दाने पिघल कर पानी जैसा हो जाएंगे। वो पिघल कर अगर पिघल जाते हैं तो वह बिल्कुल ही असली है, अगर नहीं पिघलते हैं तो आपको नकली दे दिया गया। तो दोस्तों, इस माध्यम से आप बड़ी आसानी से आप घर पर चेक कर सकते हैं कि यूरिया असली या नकली है। तो किसान दोस्तों, ये कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी किसान दोस्तों को इस जानकारी को शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइए और सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचाइए कि वह भी किस प्रकार से बड़ी आसानी से घर पर चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए इजाज़त।